मैं एक शादी अटेंड करने आया था और अनफॉर्चुनेटली जिसका शादी हो रहा है इधर करो हाय हाय, ये मेरी ससुर। सो हे गाइस, गुड इवनिंग आपको मेरी ओर से, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। अभी शाम के 6:30 लगभग 7 बजने जा रहे हैं। मैं अपने एक फैन से मिलने जा रहा हूँ, एक सब्सक्राइबर, क्योंकि मुझे उसका रियल नाम तक नहीं पता, बस अपना लोकेशन सेंड कर दिए हैं और बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आओ मिलने, आओ मिलने। मैंने उनसे बोला कि यार कि मेरे पास टाइम कम रहता है, प्लीज़ आप आ जाओ। उन्होंने कहा कि मेरे घर एक शादी है, आज की डेट में एक शादी है, तो आज जा रहा हूँ भाई के घर। और देखो मौसम कैसे कर रहे हैं, पूरा आसमान पूरा काला हो गया है, पर मुझे जाना पड़ेगा कि मेरा वेट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसका दिल नहीं तोड़ सकते। और यही तो आप सब पब्लिक का प्यार है यार, इसी के लिए मैं हमेशा तरसा करता था। फाइनली मुझे मिल रहा है, तो आप सबका बड़प्पन है, आप सबका प्यार ही है जो कि मुझे इतना आप दे रहे हो, और थैंक यू इस प्यार के लिए। मैं निकलता हूँ, मेरी हाया उसे इधर रेडी है, मेरे गाँव का साइन बोर्ड राजापुर आप पढ़ सकते हो। चलो घर से निकलते हैं और बस मेरे दोस्त आपसे मिलने आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो है ना। हे गाइस, गुड इवनिंग। कल मैं आपके लिए एक वीडियो शूट कर रहा था, सॉरी आधा अधूरा रह गया। रीज़न ये है कि कल मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। मैं एक शादी अटेंड करने आया था और अनफॉर्चुनेटली जिसका शादी हो रहा है इधर करो हाय हाय, ये मेरी सब्सक्राइबर निकल गई। और मैं आया था उनके थ्रू, उनका नाम है यूनिस नागेश है ना, तो उनके थ्रू आया था क्योंकि वो मेरे सब्सक्राइबर हैं। 2-2.5 महीने पहले से मुझे बोलते थे कि भैया हमारे घर आओ घूमने, आओ घूमने, आओ। तो यार मेरा बिजी शेड्यूल रहता है, आप सबको पता होगा कि मैं हमेशा कहीं ना कहीं बिजी रहता हूँ। और ऑब्वियसली जब YouTube में कदम रखो तो सैकड़ों तरीके से काम करने पड़ते हैं। अभी तो वेडिंग शूट भी चालू हो गया, तो कोई नहीं, बिजी था पर अभी टाइम निकाल के आया, तो इनके थ्रू पता चल रहा है दुल्हन है हमारी। ऑब्वियसली मैं इनको दीदी बोल के बुलाऊंगा ठीक ना। इनके थ्रू पता चल रहा है कि अभी हमारे वीडियोज़ देखती हैं, तो थैंक यू सो मच। मैं अभी हूँ किलकिला क्षेत्र में, गाँव नहीं बता सकता, नाम नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे सिक्योरिटी पर्पज़ का ध्यान रखना पड़ता है ना। तो थैंक यू आप मुझे पहचाने और अपने घर में सम्मान दिए, खाना पीना अपना हो गया। मैं आ जा रही हूँ, आत्मा इधर बैठा है, अभिषेक मेरा छोटा भाई। इन लोग अभी जान रहे कि आत्मा कौन है, ये है ये है, बस इतना पता है कि मेरे साथ कोई आत्मा रहता है। अभी फाइनल कर देता हूँ कि आत्मा ये है, दाढ़ी वाला इंसान। देख दाढ़ी से पहचान लेना ठीक ना, लंबा दाढ़ी मतलब आत्मा डन। अच्छा थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा आगे। अच्छा यूनिस तो बहुत शर्माता है, पर चलो अच्छा वो परिचय हो गया सबसे, तो मेरा वीडियो देखते हो कैसा लगता है दुल्हन जी? मतलब अच्छा लगता है, हमारे हमारे आसपास का ही वीडियो बनाते हैं, गांव का वीडियो बनाते हैं, और जो नेचुरल चीज होती है वो सब का वीडियो बनाते हैं, तो अच्छा लगता है। थैंक यू। आज इनका हल्दी है, तो हल्दी एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ी देर नाचेंगे उसके बाद निकल जाएंगे। ऑब्वियसली आवाज़ ज़्यादा रहेगा तो शायद वीडियोस बना पाओ नहीं बना पाओ, उसके लिए सॉरी रहेगा, पर रील्स अपलोड होगा इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, थोड़ा सा लंबा वीडियो अपलोड होगा, चेकआउट कर लेना। और ऑब्वियसली दुल्हन है तो उनका कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर कर देना है ना। चलिए लग रहा हूँ, आप लोगों को मैं कुछ ही दिखाना चाहता हूँ। तो शादी नाचने आया था, अब जस्ट यहाँ से निकल रहे थे, एक्सीडेंटली तो आ गए अपने किसी सब्सक्राइबर के थ्रू, किसी फैन के थ्रू, पर यहाँ इतने सारे लोग मिले यार जो कि आपके सीनू भाई को जानते हैं, पहचानते हैं और प्यार देते हैं, तो थैंक यू भाई लोग। और अच्छा लगा आप सबसे मिल के, ऐसे ही कहीं देखो तो बात करना यार, मैं सिर्फ इनसे नहीं बोल रहा हूँ आपसे ही बोल रहा हूँ, कहीं यदि मैं दिख जाऊँ तो शर्माना मत, मैं आप ही में से एक हूँ और मुझसे बात करोगे तो मुझे ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा। और थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, ऐसे ही मैं सपोर्ट बनाए रखना है ना, पटरी आगे चलते रहेगी गाड़ी, धक्का मारने में हेल्प करना बस। इधर आ जाओ, चिप रहे हो आगे। तो थोड़ा भाई लोगों के साथ एंजॉय करते हैं, शादी नाचते हैं, और यदि कहीं मौका मिले आपको मेरे साथ एंजॉय करने का, मुझे आपके साथ मौका मिले शादी नाचने का, तो मैं जरूर एंजॉय करूंगा, चाहे वो कोई सा भी पार्टी हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो। ऑब्वियसली सामने से देखो, सब बात करो यार। और थैंक यू, सभी भाई ने मुझे देखा पहचाना, और चलो नाचने चलते हैं ना।